नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल टोटल ज्ञान में। दोस्तों, शनिवार के दिन सरसों का तेल शरीर के इस अंग पर लगा लो, गरीबी और कंगाली आपके घर से रफू चक्कर हो जाएगी। जी हाँ दोस्तों, अगर आप अपने घर को गरीबी मुक्त करना चाहते हैं और आप चाहते हैं कि भगवान श्री कृष्णा की कृपा दृष्टि आपके घर पर बनी रहे, तो आप सरसों के तेल को शरीर के इस अंग पर लगाने से आप अपने जीवन में हमेशा खुशियों से रह पाओगे। जी हाँ दोस्तों, ये उपाय क्या है और आपने शरीर के किस हिस्से पर सरसों का तेल लगाना है, जानने के लिए ये आज का वीडियो आखिर तक अवश्य देखते रहें। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले इस वीडियो को आप लाइक जरूर कर दें, और आप भगवान श्री कृष्णा के सच्चे भक्त हैं तो चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करें, ताकि आपको हमारे चैनल से वास्तु ज्योतिष शास्त्र और हिंदू धर्म शास्त्रों के साथ साथ चाणक्य नीति और भगवान श्री कृष्णा की कृष्णवाणी और भगवत गीता का ज्ञान आपको हमारे चैनल के माध्यम से प्राप्त हो सके। दोस्तों, अगर आप सच्चे दिल से भगवान श्री कृष्णा के भक्त हैं और भगवान श्री कृष्णा को सच्चे दिल से मोहब्बत करते हैं, तो कमेंट बॉक्स में एक बार जय श्री कृष्णा राधे राधे अवश्य लिख दे। भगवान श्री कृष्णा आपकी हर मनोकामना पूर्ण करेंगे और भगवान श्री कृष्णा आपके साथ हर समय खड़े रहेंगे। तो दोस्तों, भगवान श्री कृष्णा के सच्चे भक्त इस वीडियो को शेयर करना भी ना भूलें। दोस्तों, शनिवार का दिन भगवान शनिदेव का होता है। कहते हैं कि शनि क्रूरता का देवता है, शनि से लोग डरते हैं। दोस्तों, घबराने की जरूरत नहीं है, शनि महाराज की कृपा पाकर आप अमीर और करोड़पति भी बन सकते हैं। बस आपको शनि महाराज को खुश रखना चाहिए। शनि महाराज को आप खुश कैसे रख सकते हैं, इसके बारे में आज मैं आपको विस्तार से बताने वाला हूं। शनि महाराज खुश होंगे तो सरसों के तेल से। शनि भगवान का सबसे प्रिय है सरसों का तेल। आप सुबह जब भी स्नान करें, खास करके आपको स्नान 5 से 6 बजे के बीच में करना चाहिए। हर रोज आप जल्दी उठें, और खास करके शनिवार के दिन उठने के बाद आप जब भी स्नान करें तो अपनी नाभि के अंदर 2 बूंद सरसों का तेल डाल लें, और इसके बाद अपने पूरे शरीर पर सरसों के तेल की मालिश करें और भगवान श्री कृष्णा को भी याद करें। साथ ही साथ शनिदेव से आराधना करें कि हे शनिदेव प्रभु, मैंने आपका प्रिय सरसों का तेल अपने शरीर पर लगा लिया है और आप मेरी हर मनोकामना पूर्ण करें। दोस्तों, शनिवार को सरसों का तेल अगर आप अपनी नाभि में डाल लेते हैं और अपने शरीर पर लगा लेते हैं, तो शनि महाराज की क्रूरता आपके नजदीक भी नहीं आएगी। शनिदेव आपके ऊपर अपनी कृपा दृष्टि बनाएंगे। स्नान करने के बाद आप पूजा घर में जाएं और अपने घर में भगवान श्री कृष्णा की मूर्ति के सामने बैठकर आराधना करें कि हे प्रभु, मेरे घर की गरीबी और दरिद्रता को दूर करो। साथ ही साथ शनिवार को स्नान करने के बाद आप अपने नजदीकी किसी भी शनि मंदिर में जाएं और भगवान श्री कृष्णा को आराधना करते हुए, याद करते हुए शनि देव के चरणों में गेंदे के फूल और सरसों का तेल लेकर जाएं। गेंदे के फूल चढ़ाने से शनिदेव खुश होते हैं। साथ ही साथ आप सरसों के तेल का दीपक भी शनिदेव के चरणों में अर्पित कर दें। शनिदेव आपसे खुश होंगे और आपके घर की नकारात्मकता समाप्त हो जाएगी। शनिवार को आप पुण्यदान का भी काम करें। शनिवार को आप गरीब बच्चों को खाना खिलाएं। शनिवार के दिन आप कबूतरों को और पक्षियों को दाना खिलाएं। शनिवार के दिन आप गाय को गुड़ के साथ रोटी भी दें, जिससे कि भगवान श्री कृष्णा और माता लक्ष्मी के साथ साथ शनिदेव की कृपा दृष्टि आपके ऊपर बने। तो दोस्तों, शनिवार को आप ये काम करके अपने घर को गरीबी से मुक्त कर सकते हैं और खुद भी माला माल बन सकते हैं। आज के वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक कर दें, हमारे यूट्यूब चैनल टोटल ज्ञान को जरूर सब्सक्राइब करें, ताकि आपको हमारे चैनल से ऐसा ही ज्ञान सबसे पहले प्राप्त हो सके। दोस्तों, आपसे मुलाकात होगी एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए मुझे आज्ञा दें। धन्यवाद।